फ्रेंड, मैं शालू चिश्ती और शालू चिश्ती की दुनिया में आप सबका वेलकम है। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और फ्रेंड, आज हम जो करने जा रहे हैं वो है राइस फेशियल। और राइस फेशियल के क्या क्या फ़ायदे ये भी मैं आपको बताऊँगी। और ना पक्का वाला राइस नहीं लेना। और ये देखो फ्रेंड, ये थोड़ा मैंने मिक्सी में पीस लिया है, ये थोड़ा दरदरा था वो मैंने अलग निकाल लिया, बाकी मैंने छान कर उसका जो फ्लोर है वो छान कर रख लिया है अलग से। वो पैक में काम आएगा और मसाज में काम आएगा, ये मेरा स्क्रब में काम आएगा। इसमें मैंने क्या क्या मिक्स किया है अभी बता देती हूँ। यह है राइस, राइस में मैंने सिर्फ रॉ मिल्क कच्चा दूध मिक्स किया है। इसको थोड़ी देर डिप कर देते हैं, ये फूल जाएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि इसके जो ग्रेन्यूल्स है ना वो ज़्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, सॉफ्ट रहेंगे। मिक्स करेंगे हनी, हनी हम कितना मिक्स करेंगे, ये बड़ा चम्मच है तो इसका चौथाई हिस्सा, अगर आप छोटा चम्मच ले रहे हो तो उसका आधा हिस्सा। और इसको हम मिक्स कर देंगे और इस तरह से इसको हम छोड़ देंगे 5 मिनट्स के लिए। पहले सबसे पहले कर लेती हूँ अपने फेस को क्लीन। कच्चा दूध मैंने कॉटन में लिया, इसको पूरे फेस पे ऐसे अप्लाई कर लूँगी। ये देखिए फ्रेंड, जबकि मेरा फेस वॉश हुआ हुआ है उसके बाद भी कितना गंदा निकल रहा है इसमें से। मेरा फेस क्लीन और मैंने इसको नॉर्मल वाटर से भी क्लीन कर लिया, वॉश नहीं किया, बस वही वाइप टिश्यू से क्लीन किया है। और आप देख रहे हो यहाँ पर, ये देखो मुझे ना दाने निकले हुए हैं, तो जब ये दाने निकले हुए हैं तो इसके लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। इसमें हनी डाल लिया था, अब मैं इसमें डालूंगी टर्मरिक। ओनली इसमें मैं इतना टर्मरिक डालूंगी, सिर्फ 2 पिंच। और अब करेंगे हम इसे स्क्रब। स्क्रब करने से पहले मैं थोड़ा सा स्टीम ले लूँगी, तब तक हमारे स्टीमर तैयार हो रहे हैं। फ्रेंड सेटिंग होने लगती है, उसको टाइट करता है, फाइन लाइंस को ख़त्म करता है, और जो हमारे मेलाज्मा पिगमेंट और फ्रैकल्स हो जाते हैं उनको भी ये ख़त्म करता है। एक्चुअली ये 35 अबव सबको करना चाहिए फेशियल, और 40 होता है जो हमारी स्किन इस तरह से सैगिंग होने लगती है उसे उनको ये ऐसे कर देता है फेशियल। और हाँ, मैं फिर से कहूँगी कि किसी को भी अगर मेरे फेशियल स्टेप्स देखने तो मेरी फेशियल वाली वीडियो में जाएं, जो पहले पुरानी वीडियो है आप उसमें जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं हर वीडियो में अपने फेशियल स्टेप नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि फेशियल स्टेप देखने के लिए आपको मेरी पहले वाली वीडियो पर जाना होगा। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए हर वीडियो में फेशियल स्टेप नहीं डाल सकते, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर मैं डालूंगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है, हमारी स्किन के लेयर्स के अंदर होता है और हमारी स्किन के अपर वाली स्किन पर प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, तो इस सब के लिए भी ये बहुत सारा। इसके लिए मैंने डाली इसमें टर्मरिक और हनी। ये देखिए फ्रेंड, ये मेरी स्टीम तैयार हो गई है। हमने अपने फेस पर स्टीम ले ली है और अब हम क्या करेंगे, ये स्क्रब अप्लाई कर लेंगे कुछ ऐसे। ये थोड़ा मोटा होता है और इसको मैंने से थोड़ा, मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने इसको ज़्यादा देर नहीं डिप किया, बट अगर आप इसको पूरी रात डिप करके रख देते हो दूध में तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है। और ये थोड़ा हार्ड होता है तो इसको बहुत लाइट हैंड से ही करना चाहिए। ये मैं अपने हैंड पर भी कर लूँगी, जो हमारे हैंड में टैनिंग होती है बहुत ज़्यादा, और हैंड में जैसे मतलब स्किन बहुत ज़्यादा रफ रफ होने लगती है हैंड की। हैंड पर आप थोड़ा सा हार्ड भी कर सकते हो। निकालूँगी नॉर्मल वाटर से, हमेशा ना स्क्रब को ना मतलब गीले टॉवल से साफ करने के बाद आपको हमेशा ड्राई टॉवल से या हैंकी से, जो भी आपके पास जो भी चीज़ हो उसे हमेशा झाड़ देना चाहिए, क्योंकि उसके ग्रेन्यूल्स रह जाते हैं मसाज के टाइम, फिर वो डिस्टर्ब करते हैं।
की दाल ले, नहीं चाहिए भैया हमें। ये मेरे यहाँ पर है ना, मेरा घर तो फोर्थ फ्लोर पर है, बट नीचे से आवाज ऐसे आ रही है बिल्कुल जैसे मेरे कान के ऊपर चिल्ला रहे। ये हो गया सारा क्लीन, कहीं पर भी कोई ग्रेनुल्स नहीं है, क्योंकि हमें मसाज करनी है तो मसाज के टाइम कोई भी ग्रेनुल्स नहीं होने चाहिए, तो वो रैशेज आ जाते हैं। फ्रेंड अब फिर से हम आ गए खाली बाउल, और इसमें हम डालेंगे सबसे पहले राइस फ्लोर। ये बड़ा स्पून है तो मैं इसका हाफ लूँगी, और फिर डालेंगे हम इसमें बेसन, बेसन भी इसका हाफ स्पून। और फ्रेंड ये है पपाया, ये मैंने मिक्सी में ग्रेट किया हुआ है। ये भी हम हाफ स्पून लेंगे। और हम डालेंगे फिर से हनी, हनी वही हाफ स्पून में। एलोवेरा जेल, एलोवेरा जेल हम कितना डालेंगे, सिर्फ इतना, मतलब वो भी हाफ स्पून ही डालेंगे। मैंने हाफ हाफ स्पून जरूर बोला है, लेकिन हाफ स्पून का मतलब ये नहीं है कि मतलब सारी चीज़ें मैंने हाफ स्पून बोली है। हाफ स्पून क्योंकि कुछ चीज़ें थिक होती हैं और कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब पाउडरी होती हैं, तो हाफ स्पून आप समझ सकते हो कि हाफ स्पून कितना कितना हो सकता है। और डालेंगे इसमें हम कर्ड 1 स्पून भर के, तो हम कर लेंगे मिक्स। इस तरह से एक फाइन पेस्ट बन जाएगा, ये बन गया एक फाइन पेस्ट। और इसे हम करेंगे मसाज, साथ में अपने हैंड की भी करेंगे मसाज। फ्रेंड सबसे अच्छा ये इस फेशियल का बेनिफिट ये कि हमने फेशियल तो की, इसको अब हम छोड़ देंगे ड्राई होने के लिए कम से कम 10 मिनट के लिए। अब इसको हम निकाल देंगे। ये अरबाज भाई है, ये देखो, अभी मैं बता देती हूँ, ये 2 स्पून है पपाया, और इसमें मैंने डाला है कर्ड खट्टा वाला 1 स्पून भर के, 1 स्पून टर्मरिक, ऐसे मिक्स कर लेते हैं। ये पूरा फेशियल ऑर्गेनिक है। वो 10 मिनट मसाज करेंगे इससे हम। सेम प्रोसीजर हम अपने हैंड पर भी करेंगे। 10 मिनट्स की मसाज के बाद मैं इस पैक को, सॉरी इस पेस्ट को निकाल दूंगी, फिर वही नॉर्मल वाटर से निकालूंगी मैं इसको। वही सेम प्रोसीजर, कभी भी नीचे की साइड मत करना, ऊपर की ही साइड से करना पुश करके। मैं आगे फिर से फेस क्लीन करके, फेस भी और हैंड भी, फेस और हैंड मैंने दोनों क्लीन कर लिए। और उसके बाद अब फिर से हम एक और पेस्ट बनाएंगे, और वो होगा हमारा लास्ट में मास्क। तो वही जो मैंने अभी जो बनाया था मसाज के लिए पेस्ट, उसमें सिर्फ एक चीज़ और मिलानी है मुझे, और वो क्या है, बेसन। और बेसन कितना मिक्स करना है, बेसन करना है मुझे पूरा 1 स्पून भर के। एक चीज़ और मिक्स करनी थी, वो मैं माइंड से स्किप हो गई पैक में, ये है ग्लिसरीन। तो ग्लिसरीन मैं करूँगी, बड़ा स्पून है तो वही चौथाई हिस्सा करना है बड़े स्पून का।
और अब हम इसको अपने फेस पे अप्लाई करते हैं। सबको पता है कि पैक कैसे लगाया जाता है। सबसे पहले हम नेक पे लगाएंगे, ये गिर रहा है, गिर इसलिए रहा है क्योंकि ये अच्छे से ना मतलब मिक्सी में ना ग्राइंड नहीं हो पाया। एक्चुअली मैं खुद करती तो हो जाता, अब मैंने करवाया था तो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, कर दिया, यही क्या कम है, मैं यहाँ पर बिजी थी। वैसे भी सपना मैडम ने किया है, गुस्सा आ गया ना उनको तो अभी मेरी अच्छे से ना YouTube पर वीडियो बनवा देंगी। गाइस पैक हमेशा ऊपर की साइड में ही लगाए जाते हैं, अब बर्ड में। अब मिलती हूँ मैं ये पैक लगाने के बाद, बाकी का बचा हुआ पैक हम अपने हैंड पर लगा लेंगे और फिर हम इसको पूरा तब तक रखेंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। या तो पानी के साथ या फिर दूध के साथ, रॉ मिल्क के साथ या रोज़ वाटर के साथ उसको पहले डैप डैप कर लेंगे, वेट कर लेंगे, फिर उसको हल्के हाथों से मसाज करेंगे इस तरह से और फिर उस पैक को धीरे धीरे करके निकालेंगे। ठीक है, तो मिलती हूँ मैं इस पैक को निकालने के बाद, फिर दिखाती हूँ इस फेशियल का रिजल्ट क्या है। फ्रेंड ये देखिए मैंने कर लिया ये क्लीन, लेकिन मैं हमेशा ये कहूँगी जब भी आप ऑर्गेनिक फेशियल करें तो आप नहाने से पहले ही करें ताकि आप फिर अच्छे से नहा लें। और आप देख सकते हो मेरा फेस और मेरे हैंड भी, कितना अच्छा रिजल्ट आया इसका। मेरी वीडियोस की क्वालिटी नहीं मिल पाती है, मैं समझ सकती हूँ, इसलिए हो सकता है कि आप लोगों को पसंद ना आती हो, बट मेरा जो भी DIY होता है वो हमेशा 100% नहीं 1000% रिजल्टेड होता है। आप उसको यूज़ करें, आपको पता लग जाएगा। फेस वॉश और पूरा फेशियल करने के बाद कभी भी फेस को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए, तो हमें सनस्क्रीन लगाना चाहिए। बट अभी मेरा सनस्क्रीन ख़त्म हो गया तो मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं करूँगी एलोवेरा जेल। मैंने फर्स्ट स्टीम क्यों दी आज, वैसे तो स्क्रब के मतलब स्टीम तब देते हैं जब स्क्रब हो जाता है फिर उसको टोन करते हैं, बट आज मेरे फेशियल में ऐसा कुछ नहीं था, मैंने सबसे पहले क्लीन किया, क्लीन के बाद मैंने स्टीम दी। तो वो क्यों किया, वो करने का रीज़न ये था कि क्लींजिंग के बाद स्टीम मैंने इसलिए दी क्योंकि जो हमारे पोर्स हैं वो पहले ही ओपन हो जाएं, और जो मैं स्क्रब कर रही हूँ वो स्क्रब बहुत अच्छे से मेरी स्किन में मतलब स्किन को क्लीन कर दे। जब तक स्किन क्लीन नहीं होती है उसके बाद हम कोई भी फेशियल करें वो बेनिफिशियल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें अपनी स्किन को क्लीन ज़रूर करना पड़ता है पहले। तो हमेशा ऐसा नहीं होता बट कभी कभी होता है। मेरी स्किन में आप देख रहे थे ये छोटी छोटी बॉल्स हो गई थी जिसकी वजह से मेरे को ये करना पड़ा। अब देखो अब एक भी बॉल्स नहीं है, ये देख सकते हो। इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर आप न्यू हैं तो, और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। बट फ्रेंड आप कमेंट जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको मेरी जो ये वाली ऑर्गेनिक फेशियल है वो कैसी लगी, और यूज़ करेंगे तभी पता लगेगा। एक बार यूज़ करें उसके बाद रिजल्ट अपने आप मिल जाएंगे आपको।
सब्सक्राइब जरूर कर दे मेरे चैनल को।